नमस्कार, प्रणाम। आप सभी सहारा बंधुओं एवं जमाकर्ताओं का एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन विद पीके पर। मैं हूं पिंकू कुमार प्रजापत और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद पीके। सो सभी सहारा निवेशकों के लिए आज हम जो अपडेट लेकर के आए हुए हैं, इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हुए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। काफ़ी कुछ चेंजेस हो रहे हैं पोर्टल पर और इधर जो जनसभाएं चल रही हैं, मीटिंग्स चल रही हैं, इनमें भी काफ़ी चेंजेस किया जा रहा है। काफ़ी दिनों से परेशान निवेशक अपने पैसे को लेकर के दर दर ठोकरे खा रहे हैं, तो इस पर काफ़ी बड़ी चर्चा की गई है, काफ़ी बड़ा संज्ञान लिया गया है। तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में कि आप सभी का जो पैसा है आखिर कब तक मिलेगा, क्योंकि यही कमेंट्स ज़्यादातर आ रहे हैं कि फिक्स बताइए कि पैसा कब तक मिलेगा। तो इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट व हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप भी एक सहारा जमाकर्ता हैं, सहारा इन्वेस्टर हैं, चाहे आप छोटे निवेशक हों चाहे बड़े इन्वेस्टर हों, अगर आपका पैसा इसके अंतर्गत फंसा हुआ है तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। और वीडियो पर चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे इस प्रकार की आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुँच सके। तो दोस्तों, आपका समय न वेस्ट करते हुए हम सीधे वीडियो को स्टार्ट करना चाहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सहारा बंधु, हम आप सभी को बता दें कि जो हम लोगों का पैसा फंसा हुआ है इतने दिन से सहारा के अंतर्गत, तो लगातार पोर्टल पर तो चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कोई फिक्स ये क्लियर डेट नहीं आ रही है कि भुगतान हम लोगों का कब तक हो सकता है, क्योंकि इस पर चर्चा नहीं हो रही। और सभी चर्चाएँ हो रही कि ये बताया जा रहा है मार्च 2024 से पहले आप सभी का भुगतान हो जाएगा, मार्च मंथ तक भुगतान होने की इन्फॉर्मेशन आ रही है। लगातार यही हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, वही आप लोगों को भी प्रोवाइड करते हैं। अब मार्च को दो तीन महीने बचे हुए हैं, इधर अपना 2023 साल भी अंतिम विदाई ले रहा है। अब नए साल पर कुछ न कुछ चेंजेस होंगे पोर्टल पर भी, और इधर सहारा भुगतान को लेकर के भी सहकारिता मंत्री ने भी काफ़ी बड़ा ऐलान किया था कि नए साल के बाद में जो है चेंजेस होने वाले हैं। हो सकता है नए साल से भुगतान की प्रक्रिया में जो है बड़ा बदलाव हो और भुगतान की प्रक्रिया को थोड़ा स्पीड से किया जाए, क्योंकि इस स्पीड से जो है भुगतान नहीं हो पा रहा है और निवेशकगण परेशान है, उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो बात करें भुगतान की, तो भुगतान आप सभी का होगा, ऐसा नहीं है भुगतान नहीं होगा, भुगतान तो होगा, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी बड़ी जनसंख्या जुड़ी हुई है और जटिल प्रक्रिया भी बन चुकी है। जो सेबी के अकाउंट में 25,000 करोड़ रुपए फंसे हुए थे, उसने 5,000 करोड़ रुपए सीआरसीएस को दिए। अब उसी में से 5,000 में से सीआरसीएस जो है छोटे निवेशकों को लगातार भुगतान कर रही है, कंटिन्यू भुगतान कर रही है, पेमेंट हो रहा है, पेमेंट फेज वाइज हो रहा है। आपको मालूम होगा, हमने कई वीडियो में बताया है, फेज वाइज भुगतान हो रहा है। प्रथम फेज में 10,000 रुपया दिया जा रहा है और उधर सेकेंड फेज में 19,999 रुपये दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। और हाँ, एक और बात, डेफिशिएंसी को लेकर एक ने कमेंट किया था भाई ने, तो भाई साहब डेफिशिएंसी जो है आपका हटेगा, डेफिशिएंसी लगातार लोगों का हट भी रहा, ऐसा नहीं है। अब जिसका डेफिशिएंसी रह गया हो वो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि डेफिशिएंसी किसका इसका रह गया है, क्योंकि डेफिशिएंसी पर तो काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी और डेफिशिएंसी हट भी रही है लोगों की। इस समय डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड हट रहा है लोगों का, तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और जिसका डेफिशिएंसी अभी तक नहीं हटा हुआ है वो रिसबमिशन पर जा कर के रीअप्लाई कर दें, उनका हट जाएगा, अभी रिसबमिशन पोर्टल चल रहा है। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम आज के इस वीडियो में लेकर के आए हुए थे। वीडियो पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।